एसिटिक एसिड। अब कुछ ही एग्जाम्स में कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, जनरल डी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इन कंपाउंड्स के बारे में उनके फॉर्मूले पूछते हैं, उनके यूज़ पूछते हैं, तो वो चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। अब एसिटिक एसिड से ही एसीटेट बनता है, तो एसीटेट रेफर्स टू द एसीटेट एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव एंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड। अब एसीटेट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा CH3CW-। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विट्रियोल, इसको विट्रियोल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है H2SO4। जनरली एग्जाम्स में केमिकल फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, तो आने वाले लेक्चर्स में हम सभी केमिकल फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अ मिनरल एसिड। इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑडरलेस। ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी कोई स्मेल नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए कलरलेस इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। एक तो ये इसका कोई कलर नहीं है, और इसमें कोई कार्बन कंपाउंड ना होने की वजह से इसे इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड कहा जाता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज इन बैटरीज। जो आप लोग बैटरीज यूज़ करते हैं कार वगैरह में, तो इनमें जो बैटरीज में जो सॉल्यूशन डला होता है वो HCl का होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक एंड इज़ यूज्ड इन डाइजेशन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट में अपना स्टमक HCl बनाता है, जो कि जो अपना फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, और उसको उस चीज़ HCl से अपने स्टमक को बचाने के लिए एक लेयर भी बनी होती है। अगर वो लेयर ब्रेक डाउन हो जाए तो अपने स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं। तो बहुत नेचुरल है, तो इस तरह से HCl हमारी बॉडी के अंदर भी काम करता है। तो नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। अमोनिया इज़ ए कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। पंजेंट मतलब बहुत ही ख़राब स्मेल होती है इसकी। इट इज़ कंपोज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन NH। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ अ कलरलेस फ्लेमेबल हजार्डस गैस विद अ रोटेन नेक। ज्वलनशील होती है और कलर का होता नहीं है, बहुत ही डेंजरस गैस है, और रोटन एग जैसी स्मेल आती है। जो अंडा जो ख़राब हो जाता है उसमें ऐसे जो स्मेल आती है वैसी स्मेल होती है, उसकी जैसी ही होती है बिल्कुल। इसका फॉर्मूला है H2S। इट अकर्स नेचुरली इन क्रूड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से भी आपको मिल जाता है ये H2S एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके ब्रेकडाउन से भी मिलती है, और ह्यूमन वेस्ट जो है उससे भी मिलती है। तो H2S आपको इन दो प्रोसीजर से मिल जाती है आपको, एक क्रूड पेट्रोलियम से भी मिल जाती है और एक ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन से भी मिल जाती है। सो इफ यू वांट टू सी मोर लेक्चर्स सब्सक्राइब इट।